MBBS फाइनल ईयर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है IVP, दैट इज़ इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। इस स्टडी का एम क्या होता है कि रीनल फंक्शन को टेस्ट करना, कोई पैथोलॉजी है किडनी यूरेटर ब्लैडर में वो देखना, एनाटॉमिकल वेरिएशन करना किडनी सिस्टम का। प्रोसीजर क्या क्या है? अ फैट फ्री नॉन रेसिडुअल डाइट इज़ गिवन फॉर 2 to 3 days प्रायर टू प्रोसीजर टू अवॉइड इंटेस्टाइनल गैस शेडोज। कि 2 या 3 दिन से पहले ये एडवाइस दी जाती है कि आपने ऐसी डाइट खानी है जिसमें फ़ैट ना हो, क्योंकि अगर फ़ैट खाओगे तो आपका जो इंटेस्टाइन की जो शेडोज़ है वो अच्छे से आएंगी नहीं, और उसी के लिए स्कैन किया जा रहा है। डायमोल 2 टैबलेट्स 3 times daily फॉर 2 to 3 days प्रायर टू प्रोसीजर टू एक्सपेल द गैस। अब अगर शरीर में कोई गैस है तो उसको एक्सपेल करने के लिए डायमोल की टैबलेट्स दी जाती है। द पेशेंट शुड नॉट टेक ओरल फ्लूइड्स 6 hours बिफोर द प्रोसीजर। तो 6 hours की फास्टिंग है जिसमें सिर्फ फ्लूइड्स नहीं लेने हैं। रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट डाई दी जाती है, दैट इज़ 45% सोडियम डाई ट्रायाज़ोएट 20 to 40 ml इज़ इंजेक्टेड थ्रू मीडियन क्यूबिटल वेन। तो मीडियन क्यूबिटल वेन के थ्रू ये डाई इंजेक्ट की जाती है। रिक्वायरमेंट्स बिफोर IVP वो क्या है? नॉर्मल रीनल फंक्शन इज़ अ प्री रिक्विटिस फॉर IVU, कि किडनी फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए IVU के लिए। सीरम क्रिएटिनिन इज़ रिलायबल, नॉट यूरिया बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन यूरिया लेवल्स डिपेंडिंग ऑन हाइड्रेशन। नॉर्मल लेवल क्या है सीरम क्रिएटिनिन के? 0.5 to 2 mg/L। तो उन्होंने कहा कि IVP इंट्रावीनस पाइलोग्राम से पहले क्या क्या है, क्या क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट। जैसे IVU के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किडनी फंक्शन नॉर्मल है, सीरम क्रिएटिनिन रिलायबल है, यूरिया का लेवल नहीं रिलायबल क्योंकि यूरिया का लेवल हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है और चेंज होता रहता है। तो क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, दैट इज़ 0.5 to 2 mg/L। अब प्लेन एक्सरे KUB रीजन टू लुक फॉर द रीनल स्टोन्स। तो जो 90% स्टोन्स होते हैं रीनल के वो पोस्टीरियर होते हैं टू द वर्टिब्रल कॉलम, और 10% स्टोन्स जो होते हैं वो गॉल ब्लैडर के होते हैं, वो इंटीरियर होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के। तो उन्होंने बोला प्लेन एक्सरे KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर रीजन टू लुक फॉर द रीनल स्टोन्स। 90% रीनल स्टोन्स आर रेडियोपिक, ओनली 10% गोल्ड स्टोन्स आर रेडियोपिक। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रीनल स्टोन्स एंड गोल्ड स्टोन्स ऑन प्लेन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ, इन केस ऑफ डाउट टेक लेटरल फिल्म। स्टोन्स एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम आर गोल्ड स्टोन्स एंड पोस्टीरियर टू इट रीनल स्टोन्स हैं। प्री रिक्विजिशंस क्या हैं वाइल इंजेक्टिंग द डाई शुड बी गिवन वेरी स्लोली, द डाई शुड नॉट एक्स्ट्रावेसेट। इफ ब्रोंकोस्पाज्म अकर्स इन एडिशन टू इनहेल ब्रोंकोडायलेटर, हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg एंड एंटीहिस्टामिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड IV। इन केसेस ऑफ अट्रिकेरिया एंड स्किन रैशेस एंटीहिस्टामिन मस्ट बी गिवन। तो प्रोसीजर क्या है वाइल इंजेक्टिंग द डाई? डाई बहुत धीरे धीरे देनी चाहिए, डाई एक्सेविटेट नहीं करनी चाहिए। अगर ब्रोंकोस्पाज्म आ रहा है तो ब्रोंकोडायलेटर को इनहेल करने के लिए आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन और एंटीहिस्टामिन दोनों देनी है। अट्रिकेरिया के पेशेंट में और स्किन रैशेस के पेशेंट में एंटीहिस्टामिन देनी है। रेडियोग्राफी में क्या आता है? अर्ली फिल्म्स टेकन आफ्टर 2 or 5 minutes डेमोंस्ट्रेट द किडनी आउटलाइन। कि अर्ली फिल्म्स टेकन आफ्टर 2 or 5 minutes, जो 2 से 5 मिनट के बाद जो फिल्म ली जाती है वो किडनी आउटलाइन दिखाती है। 5 मिनट के बाद पेल्विसिकल सिस्टम दिखता है। 15 से 20 मिनट के बाद यूरेटर ब्लैडर दिखता है। पोस्ट वॉइडिंग पिक्चर इज टेकन टू डेमोंस्ट्रेट एनी रेसिडुअल कंट्रास्ट इन द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो इन्होंने 3 सिनेरियोज़ दिए हैं कि 5 मिनट के बाद फ़ोटो ले रहे हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद ले रहे हैं, और उसके पहले 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। 2 मिनट बाद क्या दिख रहा है? किडनी आउटलाइन। 5 मिनट बाद क्या दिख रहा है? पेल्विसिकल सिस्टम। और 20 मिनट बाद क्या दिख रहा है? यूरेटर और ब्लैडर दिख रहा है। और पोस्ट वॉइडिंग पिक्चर क्यों लिए जा रहे हैं? ताकि हम कॉन्ट्रास्ट देख सकें, रेसिडुअल कॉन्ट्रास्ट इन यूरिनरी ब्लैडर। एब्डोमिनल कंप्रेशन हैज़ टू बी अप्लाइड टू डेमोंस्ट्रेट पाइलोग्राम बेटर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है IVP के लिए? इडियोसिंक्रेनेसी टू द आयोडीन, टेस्ट डोज शुड बी गिवन बिफोर हैंड, रीनल फेलियर, किडनी फेल टू एक्सक्रीट द ड्रग,
multiple myeloma, the drug precipitates myeloma proteins, block the ureter and kidney, and causes anuria. Hyperuricemia, uric acid crystals deposits in the renal tubules. Sickle cell anemia, it precipitates sickle cell crisis and dehydration. Intraoperative one-shot IV pylora. In ureteral injuries, when delayed contrast images are not possible because of high hemodynamic instability or intraoperative one-shot 2 mg per kg, IV contrast material given 10 minutes before flat plate abdominal x-ray. IVP recommended है उन patients में जिनको hypotension है और history of significant deacceleration despite absence of good hematuria. Thank you for watching this video.